की नाम है थोड़ा। मेरा नाम हरबिंदर है, मैं इत्थे सीनियर सहायक वजो काम कर रही हूँ। तो असी अज हड़ताल से भुख हड़ताल से बैठे हैं। बैठे तो मतलब ऑफिशियली अज 2 साल तो असं भुख हड़ताल से ही हाँ, क्योंकि सानू तनखा नहीं दी गई। असं तनखा ले बैठे हाँ, साड़ी जी तनखावान ने 21 महीनों दियाँ जल्द तो जल्द जारी कर देन। साड़ी जी बेनती हैगी है प्रशासन को, प्रशासन जमा भी अखा बंद करके बैठा, जरा अखा खोल के साड़ी भुख हड़ताल में देखे, सानू देखे भुखे बंदियां कि सानू फीसां भरनिया औखिया हो गई, बच्चों दियाँ बैंक लोन भरने औखे हो गए हैं। असं की करिए, कुछ तो दसो, कुछ तो हल दसो, असं करिए कि सानू इस बारे दसिया जाए। तो असं जे बैठे हाँ, असं ऐसे ही तरह बैठे रहेंगे जब तक साड़ियाँ की मंगा पूरी। किन्ने दिनों तो धरने ते बैठे? अज साड़ा 5वां दिन है धरने ते बैठे हैं। असं पहला दिन रात साड़ा दिन रात का धरना, साड़ा दिन रात का धरना। अज असं भुख हड़ताल से बैठे हाँ, जिसका कि थोड़ा मैं दस चुके कि अज ऑफिशियली हाँ, वैसे 2 साल तो असं भुख हड़ताल से ही हाँ। की नाम है जी? मैं जगसीर सिंह जी, लैक्चरर बाबा हीरा सिंह पठल इंजीनियरिंग कॉलेज लहरागग। कॉलेज के किन्ने टाइम तो जो धरना प्रोटेस्ट चल रहा है, किस तरह चल रहा है, तो हम की किया? असी 5 दिन तो धरने से बैठे हैं, हूँ साड़ी ये सलाह हुई है भी अभी भुख हड़ताल से बैठेंगे। अज असी 5 मैंबर बैठे हैं, इस तो नैक्सट अगले 5 मैंबर बैठने। वैसे तो अभी भुख हड़ताल से 2 सालों की बैठे हैं, क्योंकि सानू 21 महीने की तनखा नहीं मिली। और की कहना चाहते की समस्या आ रही है थोड़ा? समस्यावान सानू साढ़े बैंक दोन लोन खड़े ने, साड़िया कोई किस्त नहीं भरिया जा रही, सूँ कोई राशन नहीं दे रहा, मतलब प्रॉब्लम ही आ रही ने, कोई फीस नहीं भरी रहा रही बच्चों की, मतलब फेस बहुत प्रॉब्लम बहुत फेस कर। किन्ने जो स्टाफ है तो बच्चे किन्ने? स्टाफ 110 है, कुछ डिग्री का स्टाफ, डिग्री के बच्चे शिफ्ट हो चुके हैं, डिप्लोमे के बच्चे इतने पढ़ रहे हैं। हजे सरकार कोई गलबात हुई, कोई कुछ कहा उन्होंने? सरकार तो लॉलीपॉप ही दे रही है सूँ भी, थोड़ा असं आह कर देंगे आह कर देंगे। 2 साल हो गए जी, 21 महीने की साड़ी तनखा जा रही, कोई नहीं मिल रही सूँ। की नाम है थोड़ा? मेरा नाम करमजीत है जी, मैं इतने सेवा निभा रही हूँ पिछले 10-12 सालों तो। असं दोनों ही हसबेंड वाइफ इतने हाँ, सानू मतलब सैलरी नू 21 महीने हो गए, 22वां चल रहा, वो भी अज देखो किन्ने दिन लंघ गया। इन्ने क परेशान हाँ भी लोन दियाँ साड़ियाँ किस्तां मतलब नहीं असी भर रहे, तो जे हुण इन्नी क हालत आ कि डिफाल्टर सानू शो कर दिता, सानू इन्नी परेशानी हुंदी आ कि मेरे हसबेंड हुण 3-4 साल च रिटायर हो जाणगे, कितने सानू मतलब बंदे नू खुशी हुंदी आ कि रिटायरमेंट ते चलो बंदा इज्जत नाल घरे जांदा, कितने हुण सानू सैलरी दी प्रॉब्लम आ गई आ। देखो किड्डी माड़े हालात ने साडे कि मतलब सानू सैलरी तक भी परेशानी हो गई आ कि नहीं मिल रही। हुण रिटायरमेंट ते जिहड़े बंदे खड़े ने, किसी दे 1.5 साल रह गए, किसी दे 2 साल रह गए, कितने उन्हां दे हालात बहुत माड़े हालात ने जी साडे। असीं सरकार दे अगे ही उह करदे आ कि सानू बहुत लैवे तरीके दे नाल सानू देखे, क्योंकि साडे घरां च वी इत्थे की ताले लगे, साडे तां घरां दे विच वी इहो हालात आ, सानू कोई राशन नहीं दिंदा। अगले कहिंदे ने पहला पिछला चुकाओ, कित्थों चुकाईए जी, जदों किते साडे कोई पैसा आंदा ही नहीं। इन्ने माड़े हालात ने साडे, बहुत बुरे हालात ने। असीं सरकार अगे ही हाथ जोड़ के करदे आ कि साडा जल्द तो जल्द कोई हल किया जाए, सैलरी सानू 22 महीनों की 21 महीनों की जिहड़ी 22वां चलदा रिलीज़ की जाए, असीं यही बेनती करते हैं। मैं इंद्रजीत सिंह इत्थे बतौर ADP स्पोर्ट्स बार्ड में सेवा निभा रहा, जिमें कि मेरे नाल दे मुलाजम साथियों ने सारे दसे ही है कि सानू पिछले 21 महीनों तो तनखाह नहीं मिली, तो एफर्ट्स चल रहे हैं, पहला भी धरने प्रदर्शन किए गए हैं, बिच दी सानू आश्वासन दे के उठा दिता जाता है, तो सानू उठना भी पैंदा, पर साडा कोई भी हल नहीं होया हाल तक, तो ना ही बिच शिफ्टिंग दियां गल्लां हो रही ने, पर वो फाइलां उन्हां दा की बन रहा है की नहीं, सानू इस बारे कुछ जानकारी नहीं दी जाती। बस एक जिम पहला भी मेरे मैं भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव दा सुनते हुए तो उन्हां दा जान कोई पक्का हल नहीं किया जा रहा, तो तनखाहों के कारण इन्ने परेशान ने मेरे मुलाजम साथी। साढ़े एक साथी ने पिछले एक सुसाइड भी अटैम्प्ट करने की कोशिश की, उदो भी चल लिया सी, होर भी कई इधर नूं जा सकते हैं। सो साडी सरकार अगे यही बेनती है कि साडा तनखा नूं जल्दी जल्दी जारी किया जाए, तो इहदा कोई स्थाई हल किया जाए, जो स्टाफ दियां मानसिक परेशानियां दौर दे विचों लंघ रहे हैं जिहड़े, असीं वो असीं बयान नहीं कर सकते। संघर्ष नूं होर तिखा किया जाऊगा जिस तरह अज भुख हड़ताल शुरू की है? यह जिहड़ी भुख हड़ताल है लगातार जारी रहेगी जब तक साडियां मंगां नहीं मन्नी जाणगियां। अगर साडी सुनवाई नहीं हुंदी तां असीं इस नूं संघर्ष नूं रूपरेखा होर तिखी इहदी करांगे, ते आने वाले समय के बारे भी दसा। स्टूडेंट ते स्टाफ है?
स्टाफ मैंबर असं लगभग 110 के करीब स्टाफ मैंबर हाँ। तो स्टूडेंट जिमें मेरे नाल मुलाम साथी ने दसिया कि बीटेक तकरीबन शिफ्ट कर दिए गए हैं। डिप्लोमे के लगभग 100 स्टूडेंट्स ने, वो भी आते हैं, उन्होंने भी बई कई काम ने, वो भी खज्जल खुआर हो रहे हैं, क्योंकि साडा ही जो असी खुद ही मानसिक परेशानी के बीच असी खुद मर रहे हैं, असी किसी की हैल्प कर सकते हैं। सो साडी हाथ जोड़ के सरकार को बेनती है कि साडियां तनखाह जल्द तो जल्द जारी की जाए। मेरा नाम शिव कुमार है जी, मैं बतौर इतने लैब अटेंडेंट काम कर रहा, तो पिछले 10 साल तो इस कॉलेज के सेवा निभा रहा। की कहना चाहते हो लगातार धरने से बैठे हो, कि कोई लीडर या प्रशासनिक अधिकारी थोड़े को पहुंचे? अज सू जी धरने से बैठिया पंजवा दिन है जी, अज तो ही असी भुख हड़ताल भी स्टार्ट की हुई है। इतने साढ़े को पिछले 5 दिनों तो असी जो बैठे हाँ, साढ़े कॉलेज के प्रशासन के मुख्य अधिकारी ने जो प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, सानू कोई भी पूछ नहीं आया, कोई लीडर नहीं इतने आई। पहला भी तुसी धरने लाए ने, पहला भी लीडर इतने आते रहे ने, उदों कोई गलबात बनी नहीं? हाँ जी, पहला असी धरने लाए ने, सानू आश्वासन दिता गया कि थोड़ा स्थाई हल भी होजूगा, तो बहुत जल्दी थोड़िया जिहड़ियां रुकियां तनखाह ने थोनू थोड़ा बकाया भी दिता जाऊगा, पर एक गल नहीं सीगियां, हवा सीगियां, सानू कुछ भी इहदा पॉजिटिव रिस्पोंस नहीं मिलिया। आ देख लो 21 महीने हो गए, बहुत बुरे हालात ने साढ़े, असी प्रशासन नू, साडे मुख अधिकारियों नू चंडीगढ़ बहुत बार असी बेनतियां कर चुके हैं, एप्लीकेशन भी दिती है, मिलन भी गए हैं, पर साडा कोई भी इन्होंने हल अज तक नहीं किया।